दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 29 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है पीईटी परीक्षा को लेकर के। लिखा है कि पहले दिन सूबे में पकड़े गए 40 सालवर और नकलची। गिरोह का सरगना दीपक पटेल व दिलीप वर्मा प्रतापगढ़ के, प्रयागराज का अजय कुमार भी पकड़ा गया। कल दो पालियों में पेट की परीक्षा हुई, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 40 सालवर व नकलची पकड़े गए हैं। आयोग की ओर से पहली बार पीईटी में प्रयोग किए गए फेस रिकॉग्निशन से जहाँ 30 लोग दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के प्रयास में पकड़े गए, वहीं एसटीएफ उन्हें सालवर बैठा करके और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने वाले गिरोह के सरगना समेत 10 को पकड़ा है। पहले दिन शनिवार को दो पालियों में प्रदेश के 35 जिलों में 1058 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र पर आयोग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। इसमें जो है काफ़ी सफलता भी मिली है। आपको बता दें कुल मिलाकर के यहाँ पर जो उपस्थिति रही है वो 62% उपस्थिति बताई गई है और करीब 38% छात्र जो है वो अनुपस्थित पाए गए हैं। कल 10 लाख छात्रों की परीक्षा थी, इसमें लगभग 6,23,000 अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। 38% ने एग्जाम छोड़ दिया है, यानी कहीं ना कहीं छात्रों का जो मोह इस परीक्षा से भंग हो रहा है धीरे धीरे। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर ज़्यादा नौकरी नहीं आती है, आती भी है तो टाइम बहुत लग जाता है और केवल क्वालिफाई करने से ही यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। इसमें जो है मेरिट भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत लोग तो क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट में छट जाते हैं। इसके बाद पेट के एग्जामिनेशन सेंटर इतना दूर दूर डालेगा, इससे भी बहुत सारी छात्राएँ नहीं गई परीक्षा देने। तो यही कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो है अनुपस्थिति का रेट ज़्यादा है। बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न को लेकर, कैसा पेपर आया। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, और कल जो अभ्यर्थी बता रहे थे कि गणित में ग्राफ, डीआई, करंट अफेयर के प्रश्नों ने छात्रों को खूब उलझाया। यानी लगभग देखा जाए तो पेपर काफ़ी लेंदी था। हिंदी में भी ऐसे पैराग्राफ दिए गए थे जो एक एक पेज के केवल पैराग्राफ ही थे, ठीक है। तो पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, लेंदी था। करंट अफेयर और ग्राफ वाले क्वेश्चन में अभ्यर्थियों को काफ़ी सारी दिक्कतें हुई। अगर आपने इस परीक्षा का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप लोग बताइएगा अपने अपने विचार कि कैसा रहा पेपर। यहाँ पर देखिए दूसरी जो अपडेट है वो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया से। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि देवरिया के 13 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्तियाँ आई हुई हैं, तो इसमें जो लोग फॉर्म भरे थे उनकी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। और यहाँ पर आप लोग ये कट ऑफ देख सकते हैं, पूर्णकालिक टीचर में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, हिंदी के, संस्कृत के पद थे। इसमें कट ऑफ देख लीजिए, 47.64 गणित की गई है, अनारक्षित की 43.58 गई है, एससी की। तो सबकी कट ऑफ आपके सामने यहाँ पर है और बताया गया कि ये सभी अभ्यर्थी 8 नवम्बर को प्रातः 10 बजे गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में उपस्थित होंगे काउंसलिंग के लिए। बाकी यहाँ पर जो मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार है, उनमें समस्त आहार जो महिला अभ्यर्थी उनको बुलाया गया है 9 नवंबर को ही, ठीक है। तो आप सभी लोग जो लोग यहाँ पर आवेदन किए थे, अगर आप कट ऑफ दायरे में आते हैं तो आप लोग पहुँचिएगा। और वैसे भी आपको जो है सूचना दे दी जाएगी ईमेल आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से कि आपको जो है बुलाया गया है। यहाँ देखो अपडेट है, केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में फर्जी निकले 14,000 आवेदक। तो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में प्रदेश के 14,000 आवेदक फर्जी निकले हैं। आधार प्रमाणीकरण कराने के बाद ये सच सामने आया है। सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं बस्ती, मुरादाबाद, महोबा, उन्नाव, संभल, बिजनौर से मिले हैं। और ख़ास बात ये है कि जिन संस्थानों ने इन छात्रों का डेटा अग्रसारित किया अब उन्होंने इनको अपना छात्र मानने से इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार जल्द ही पूरी रिपोर्ट केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भेजेगी, इसके बाद ही उन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी जहाँ से इन छात्रों ने आवेदन किया था। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा खेल हो रहा है, 14,000 आवेदक फर्जी पाए गए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि देश में रोजगार के नए द्वार खुले हैं। तो 37 स्थानों पर नियुक्ति पत्र का वितरण हो चुका है, एक वर्ष पूरा हुआ अक्टूबर में रोजगार मेले का आयोजन, ठीक है। तो बहुत सारे छात्रों को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कल नियुक्ति पत्र दिए गए और यहाँ पर जो है उनका कहना कि भर्ती प्रक्रिया अब पारदर्शी हुई है, पहले जैसा होता था अब नहीं हो रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर न्यूज निकल के आई है। यहाँ देखो अपडेट है पुरानी पेंशन को लेकर के, लिखा है कि जनवरी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देशव्यापी हड़ताल शिव गोपाल। चारबाग रेलवे स्टेडियम में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के हीरक जयंती वार्षिक अधिवेशन के अंतिम दिन मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं पहले लखनऊ का था और अब दिल्ली का हो गया हूँ, मैं घोषणा करने लायक नहीं हूँ लेकिन मैं अपना आपका डाकिया बन करके आया हूँ और आपकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचा दूँ। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार आपकी मांगों पर सार्थक निर्णय लेगी। तो ओपीएस के मुद्दे पर जो दिनेश शर्मा हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका कहना है कि हम बात मोदी जी तक पहुँचा देंगे और उनको यकीन है केंद्र सरकार जो है निर्णायक निर्णय लेगी। खैर अभी तो हालात ऐसे नहीं है कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन देगी, अब देखना है क्या होगा आगे। फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी में ओपीएस को लेकर के देशव्यापी हड़ताल करेंगे। यहाँ देखो अपडेट है कि मैकेनिक के 78% पद खाली, कैसे हो बसों की मरम्मत। रोडवेज के सभी डिपो में कुल 11,619 पद हैं, इसमें से 9,000 पद खाली हैं। आप देखो मात्र 22% ही पद भरे गए हैं, 78% पद खाली चले हैं, तो रोडवेज बसों की मरम्मत कैसे होगी। ये हाल प्रदेश के सभी 115 बस डिपो का है। हाईटेक बसों की मरम्मत के लिए तो कोई विशेषज्ञ मैकेनिक ही नहीं है, सभी डिपो हाईटेक बसों की मरम्मत करने वाले कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं। मरम्मत ना होने से बड़ी संख्या में बस डिपो से ही बसें नहीं निकल पाती हैं। अब यहाँ पर मैकेनिक की भर्ती कब होगी, कब नहीं होगी, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो रोडवेज के मुख्य प्रधान प्रबंधक हैं आर्यन वर्मा, उनका कहना है कि वर्कशॉप में विशेषज्ञ मैकेनिकों की बहुत कमी है, जो मैकेनिक तैनात हैं वे या तो उम्रदराज हैं या उनकी क्षमता कम है। जल्द ही 3 विभिन्न पदों पर मैकेनिक की भर्ती कर मेंटेनेंस कर बसों को रोड पर उतारा जाएगा। उनका तो कहना है कि हम भर्ती करेंगे, देखना होगा कब क्या होता है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।